सोने और चांदी की नेल पॉलिश। माता पिता की मृत्यु के बाद अनामिका अपने मामा मामी के साथ रहती थी। अनामिका का एक हाथ काम नहीं करता था। अनामिका की मामी उसे बहुत समझती थी, लेकिन अनामिका के मामा उसे बहुत प्यार करते थे। उसके मामा मामी की एक बेटी थी जिसका नाम पायल था। अनामिका बड़े ध्यान से पायल को तैयार होते हुए देख रही थी, क्योंकि पायल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। कुछ देर बाद मामी भी वहाँ आ गई। अरे अनामिका, पायल को ऐसे क्या घूर रही है? खाएगी क्या? मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है मामी। चल एक बार और फर्श पर झाड़ू लगा दे, फर्श पर बहुत मिट्टी जमी हुई है। हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं, तो अपने लिए और अपने मामा के लिए खाना बना लियो। हम दोनों पार्टी से खाकर ही आएंगे। ठीक है मामी, मैं अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा लूं। क्या कहा तूने? तू नेल पॉलिश लगाएगी? हाँ तो तेरे खराब है। नेल पॉलिश तेरे नाखूनों पर शोभा नहीं देगी। बढ़िया ही नेल पॉलिश लगाने वाली, ब्रांडेड नेल पॉलिश है। चल जाकर अपना काम कर। चल पायल, देरी हो रही है। देख अनामिका, हमारे जाने के बाद किसी भी मेकअप के सामान को हाथ मत लगाना, वरना इस बार और पिटाई हो जाएगी। मामी और पायल के जाने के बाद अनामिका अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर निराश हो गई। माँ बाबा, आप दोनों के जाने के बाद से मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ भी चली गईं। मुझे आज भी याद है कि आप दोनों मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक होती है। अनामिका दरवाजा खोलती है और उसके मामा दरवाजे पर खड़े थे। वो अपने मामा के लिए पानी लेकर आती है। मामा उसके सर पर हाथ रख कर कहते हैं, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? कुछ नहीं मामा जी, मैं खाना लगा देती हूँ, आप हाथ पैर धोकर आ जाइए। मामी और पायल पार्टी में गए हैं, वह दोनों वहीं से खाना खाकर आएंगे। मैं तो जलेबी लाया था, अब इस जलेबी का मजा हम दोनों ही लेंगे। तुझे भी अपाहिज हाथों से क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद मामा और अनामिका खाना खाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मामी और पायल भी घर आ जाते हैं। अनामिका अपने मामा से बोल ही रही होती है, मामा जी मुझे नेल पॉलिश लगाने का बहुत ही मन हो रहा है, मेरे लिए एक नेल पॉलिश ला दीजिए और एक हाई हील्स के सैंडल भी ले आइए। तभी पीछे से मामी कहती है, बोल तो ऐसे रही है जैसे इसका बाप यहाँ कोई खजाना छोड़कर गया हो। कुछ काम करना तो है नहीं, पर फरमाइश सुन लो इसकी, एक से एक है। आज के बाद कोई फरमाइश मत करना, दो वक्त का खाना मिलता है वही बहुत है। हाथ तो चलता है नहीं, खराब हाथ पैर पर नेल पॉलिश लगाएगी महारानी। ऐसा क्यों बोलती हो भाग्यवान, वो भी तो हमारी बेटी जैसी है। बेटी है तो नहीं ना? पर मामी मामा का मुंह बंद करवा कर वहाँ से भगा देती है, क्योंकि मामी के सामने मामा की कहाँ चलने वाले थी। मामी अनामिका से बहुत काम कराती थी। एक दिन काम करते करते अनामिका से गलती से कांच का गिलास छूट गया और वो टूट गया। डायन, कल मोही कहीं तेरी माँ रख कर गई थी या तेरे बाप छोड़ कर गया था? करते धरते कुछ नहीं, खाने को भी दो और हमारे नुकसान भी कर देती है। इतना कहकर मामी अनामिका का अपाहिज हाथ मोड़ देती है। अनामिका दर्द से तड़पने लगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मामी जी, मेरा हाथ छोड़िए। आ आ, निकम्मी हो गई है, तेरा भी ठिकाना लगाना पड़ेगा। इतना बोलकर मामी वहाँ से चली जाती है। रात को खाने के बाद जो भी बचता था वो अनामिका को दे दिया जाता था। अनामिका अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोती है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे अपने पास बुला लो माँ। अब नहीं सहन होता उस हादसे में, मुझे क्यों नहीं ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया, क्यों मेरा हाथ अपाहिज कर दिया। लौट आओ माँ, पिताजी लौट आओ। तभी अनामिका को अपनी माँ की आत्मा नजर आती है। रो मत मेरी बच्ची, चुप हो जाओ, बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। इतने दिनों से कहाँ थी माँ, क्यों नहीं आई मेरे सामने? क्या मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया आपको? मुझे आने की इजाज़त नहीं दी बेटी, पर देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सोने और चांदी की नेल पॉलिश, तुझे बहुत पसंद है ना? ये चांदी की नेल पॉलिश लगाकर तेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये सोने की नेल पॉलिश तुझे कभी भी गरीबी नहीं देखने देगी। उसके बाद माँ अनामिका के हाथों पर चांदी की नेल पॉलिश लगाती है। नेल पॉलिश लगाते ही पल भर में ही उसका हाथ ठीक हो जाता है।
माँ ये तो चमत्कार हो गया, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मेरे पास ही रहना। ये तो कुदरत का खेल है बेटी, मुझे तो जाना ही होगा, लेकिन तू अपना ख्याल रखना और मैं तेरे साथ ही रहूंगी। इतना बोलते ही अनामिका की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। चले गए ना मुझे छोड़कर, कोई बात नहीं, मैं ये नेल पॉलिश को आपका आशीर्वाद समझकर अपने पास ही रखूंगी। अगली सुबह अनामिका अपने नाखूनों पर सोने की नेल पॉलिश लगाती है। एक फोन आता है। क्या मैं अनामिका से बात कर रहा हूँ? उनके नाम पर 2 करोड़ का चेक साइन हुआ है, उन्हें बोल दीजिए कि वो गांधी मैदान में आकर अपना चेक लेकर चले जाएं। ये सब सुनकर मामी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन मामा बहुत खुश होते हैं। इतने में मामा देखते हैं कि अनामिका अपने कमरे में से कपड़ों से भरा हुआ बैग लेकर आती है। मामा, मामी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन अब मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अपनी दुनिया बनानी है, भले ही मेरे पास रहने की जगह नहीं है, पर फिर भी मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। तभी अनामिका के मामा की नज़र अनामिका के अपाही छात पर जाती है, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरी बच्ची, तेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया है, और ऐसे क्यों कहती है? तू तो अब करोड़पति हो चुकी है, अब मेरी बच्ची महल में रहेगी। तुझे जहाँ जाना है जा, गांधी मैदान में जाकर अपना 2 करोड़ का चेक ले लेना। उसके बाद अनामिका अपने मामा मामी को अलविदा कहकर आजाद पंछी की तरह जिंदगी जीने लगती है। वो माँ की सोने चांदी की जादुई नेल पॉलिश की वजह से उसे कभी भी पैसों की परेशानी नहीं हुई और ना ही कोई रोग हुआ। वो खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे किट्टू टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी धन्यवाद।